और चलिए 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज से दो दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाएंगे। इस दौरान पीएम करीब 7600 करोड़ की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज में पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को विजय संकल्प जनसभा का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि देश में दूसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी की कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में ये पहली यात्रा है। दूसरी बड़ी खबर, रायपुर के बाद यूपी के गोरखपुर दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे पीएम। शताब्दी समारोह कार्यक्रम के बाद पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो कुल 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पूर्वांचल की जनता को 12,110 करोड़ रुपए की सौगात सौंपेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, मोदी सरनेम केस में आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आएगा। राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। गुजरात हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगा। राहुल ने सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पुनर्विचार याचिका में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। चौथी बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के अजित पवार गुट के शामिल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुंबई बीजेपी ने आज सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। अहम बैठक में सभी विधायकों, विधान पार्षदों को शामिल होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें, कल सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के विधायकों की भी बैठक हुई थी। पांचवी बड़ी खबर, सीएम शिंदे और फडणवीस के बीच देर रात हुई बैठक। बीजेपी और शिंदे गुट के कुछ विधायकों के नाराज होने की अटकलों के बीच फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर देर हो सकती है। विस्तार के बाद ही नया बंटवारा होगा। एनसीपी के दोनों ही गुटों के बीच जारी खींचतान के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और छठी ब्रेकिंग, अजीत पवार की बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बिल्कुल बदल दी है। शरद पवार ने सभी बागियों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। शरद पवार बागियों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। नासिक, नागपुर, सोलापुर जिलों का दौरा करेंगे। 8 जुलाई को नासिक के येवला में शरद पवार अपनी पहली जनसभा करेंगे, जिसे एनसीपी नेता छगन भुजबल का गढ़ बताया जाता है। शरद पवार महाराष्ट्र की जनता के बीच जाकर लोगों से संवाद करेंगे। सातवीं बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में बृजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर आज सुनवाई। चार्जशीट पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर विचार करेगा और इसी को लेकर यहां सुनवाई होने वाली है। आरोप पत्र पर संज्ञान के विचार पर सुने जाएंगे पक्ष। इससे पहले 27 जून को मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को मामले में अभी एफएसएल रिपोर्ट के साथ कुछ अन्य रिपोर्ट का भी इंतजार है। आठवीं बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हुआ। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है, चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग के लिए लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया। चंद्रयान को अंतरिक्ष से इसरो को बाहुबली रॉकेट से भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। चलिए 9वीं ब्रेकिंग पर नजर डाल लेते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई सिक्योरिटी के बीच जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर मोर्टार शेल्स मिले हैं।
मोर्टार शेल्स मिलने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोर्टार शेल सांबा के विजयपुर में हाईवे के किनारे मिले। सांबा पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, मोर्टार शेल को कब्जे में ले लिया है। मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। जिस जगह मोर्टार शेल पाए गए वहां से बेहद ही नजदीक है एम्स। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर ली है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और दसवीं बड़ी खबर, देश भर में आसमानी आफत का कहर जारी है। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। मंडी के केनवाल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर कल पूरा पहाड़ गिर गया। लैंडस्लाइड होने से करीब 45 सड़कें बंद हो गई। दूसरी ओर पंजाब की बात करें तो यहां 11 जिलों में कल जमकर बारिश हुई। सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग की माने तो अमृतसर, अजनाला, डेरा बाबा नानक, बाबा बकारा साहिब के अलावा मानसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।